Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. आज का टॉपिक मिसकंसेप्शन ऑफ जैनिज्म. सब सोच रहे रहेंगे जैनिज्म मिसकंसेप्शन ये क्या है, क्या हम जैन हैं, क्या आज के ज़माने में जैन धर्म को फॉलो कर सकते हैं. जो युवा वर्ग है हम तो ट्रैवल कर रहे हैं, आज हमारी कनाडा की ट्रिप है, वहाँ पे हम पर्युषण कैसे फॉलो करें. बहुत सारे ऐसी शंकाएं हमारे मन में है, बहुत सारे मिथ्स हैं. आज हम परम पूज्य साध्वी जी वैभव श्री जी के साथ हैं, जो इस स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आई कैन से इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक, इट मस्ट बी अ बर्निंग टॉपिक इन द सोसाइटी नाउअडेज, बिकॉज आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश. मैं हिंदी में भी बोलूँगी कि जैनिज्म इज इट अ रिलीजन, इज इट अ कल्चर, हाउ डू वी फॉलो. वो ऐसा लगता है कि एक सेट पैटर्न होना चाहिए उसका. आज के युवा वर्गों को ऐसा लगता है कि एक स्कूल का टाइम टेबल कैसा होता है वैसा एक सेट पैटर्न चाहिए. सो आज हमारे साथ जो महाराज साहब जी हैं, इस तथ्य इस विषय के ऊपर हमारी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान देंगे. एंड इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन. साहिब जी के बोलने के बाद जब भी अपने मन में कोई भी क्वेश्चंस आए अपन इमीडिएटली साहिब जी को पूछ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा. पंच परमेष्ठी परमात्मा, आगम वाणी और बोधि प्रदाता सद्गुरुदेव के श्री चरणों में भावमय वंदना. उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम. जय हो. मिसकंसेप्शन ऑफ जैनिज्म, दिस इज अ बर्निंग टॉपिक. पूरा जैन समाज और न केवल जैन समाज को विश्व के पटल पर देखने वाला सारा ही समाज, सारी ही दुनिया कह दो, इस जैन धर्म को लेकर के बहुत कुछ जानना चाहती है. विश्व के सामने जैन धर्म की एक इमेज है, जैनों के सामने जैन धर्म की एक इमेज है. जैन लोग क्यों कंफ्यूज है? शायद इसलिए कि वे खुद ही खुद के धर्म को जान नहीं पा रहे. क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि वे इस धर्म को जिनके माध्यम से जान रहे हैं, फैमिली में मौजूद ट्रेडिशंस के थ्रू अथवा साहेब जी के प्रवचनों के थ्रू अथवा कुछ बुक्स के थ्रू, तीनों ही स्थितियों में यंग जनरेशन के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उनको मिल नहीं पा रहे. वे जब अपने बुजुर्गों से पूछते हैं
तो घर में बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इतने दिमाग क्यों लगाते हो, चुपचाप मान क्यों नहीं लेते। धर्म में कभी शंका नहीं होती, विश्वास किया जाता है। हमने तो अपने मम्मी पापा से कभी सवाल नहीं किए थे और तुम इतने सवाल करते। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े सवाल करते। अतः बुजुर्ग लोग कभी कभार तो कुछ कुछ जवाब दे पाते हैं और बाकी जवाबों के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हैं। दिस इज द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। जब साहेब जी के पास जाते हैं तो साहेब जी, महाराज साहब लोग, वो भी बहुत तरह के जवाब देते हैं। कुछ जवाबों से तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और कुछ जवाब हमारे भीतर नए क्वेश्चंस पैदा करके चले जाते हैं। ऐसा भी है ना। और जब बुक्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो देर आर सो मैनी ऑथर्स, सो मैनी व्यू पॉइंट्स, किस किस को पढ़े, किसको सच माने, किसको नहीं, यहां भी सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते। बट इट इज द गुड साइन कि हमारे पास क्वेश्चंस है। ये बहुत अच्छा चित्र है आज हमारे जैन समाज का कि हमारे जैन समाज का यूथ प्रश्न पूछ रहा है। एक युग था जब प्रश्न पूछने वाली चेतना को जगाना पड़ता था। किसी ने सुकरात का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस, यूनानी फिलोसोफर हुआ। वो बीच बाजारों में खड़े होकर लोगों को रोकता था और रोक रोक के कहता था, तुम्हें पता है तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो। आदमी कहता, कितना सिर खाता है ये आदमी, इसको नहीं पता मैं घर से आया हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, सामान खरीद के घर जाऊँगा। सोक्रेटिस कहता, इतनी बात नहीं है, और भी बड़ी बात है, जरा सोचो तो सही। लेकिन लोग सोचते नहीं थे, पूछते नहीं थे। तब प्रश्न पूछवाना पड़ता था और आज इतने प्रश्न हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे बाबा आप चुप भी हो जाओ। बट दिस इज द गुड साइन की प्रश्न है। अब सबसे पहला टॉपिक हम आज लेते हैं, व्हाट इज द मिसकंसेप्शंस अबाउट आवर जैनिज्म। देर आर सो मैनी मिसकंसेप्शन, टू डेज में हम कवर नहीं कर सकेंगे, फिर भी लेट्स स्टार्ट तो करें। फर्स्ट पॉइंट, जैनिज्म इज रिलीजन और कल्चर, इधर रिलीजन और कल्चर। ये क्वेश्चन बड़ा जोरों शोरों से पूछा जा रहा है। जैनिज्म इज रिलीजन और कल्चर, आपको क्या लगता है? हाँ, दिस इज अ कल्चर, इट्स अ रिलीजन, और ओके okay. आप सोचते हो कि ये रिलीजन है पर यूथ इसको एज ए कल्चर मानता है। ओके, वेरी गुड। आपका क्या लगता है, इज जैनिज्म रिलीजन और कल्चर? रिलीजन, जो लोग इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं उनके लिए रिलीजन है, जो लोग रिलीजियसली फॉलो नहीं करते उनको लगता है दिस इज कल्चर। इज इट ट्रू? हाँ, ऐसा है ना? कुछ लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, सुबह उठते ही मंदिर जाना, उसके पहले मुंह में पानी नहीं डालना, सुबह उठते ही मुंह पति बन के सामायिक करना, भक्तामृत का पाठ करना, प्रतिक्रमण करना, उसके बाद किचन में काम कर स्टार्ट करना। तो उनको लगता है दिस इज रिलीजन, पर उनके बच्चों को लगता है दिस इज कल्चर नॉट रिलीजन। क्यों? क्योंकि वे तो इसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे, तो उनके लिए कल्चर है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में है ना? नहीं जानना चाहते हो? हाँ, ओके, जानना चाहते हैं। और जानने का तरीका है
चीर फाड़ करके देखना, जानने का मतलब है उसके अंदर जाओ, है ना। तो सबसे पहले हम रिलीजन इस छोटे से शब्द के अंदर जाते हैं। व्हाट इज रिलीजन? एक्चुअली रिलीजन शब्द बाहर से हमारे इंडिया में भी आ गया। हमारे भारत में रिलीजन शब्द नहीं था धर्म के लिए, और ये बड़ा विचित्र है। धर्म को हम रिलीजन शब्द से नहीं समझ सकते हैं, बट आज इंग्लिश का इतना इफेक्ट कि आदमी को धर्म शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा, रिलीजन बोलने में थोड़ा प्राउड फील होता है। ओके तो अगर हम धर्म शब्द की बात करें कि जैन एक धर्म है या जैन एक संस्कृति है, तो हम कहेंगे धर्म जैन अजैन कुछ नहीं होता। धर्म का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि धर्म का मतलब है जो है, जो है, जो भी अस्तित्व है। ओके चाहे वो लिविंग का हो या नॉन लिविंग का हो, जो भी अस्तित्व है उस अस्तित्व का अपना मूल गुण, उसकी मौलिक योग्यता, जैसे चेतना की मौलिक योग्यता चेतनता, चैतन्यता, जानना, ज्ञान, महसूस करना। क्योंकि चेतना सोल, सोल ओनली कैन नो, ओनली कैन परसीव, ओनली कैन फील, है ना। तो जिसका जो मौलिक गुण है, मौलिक गुण मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, बाहर से अक्वायर नहीं किया, बोरो नहीं किया, विदिन है। तो जो विदिन है वह धर्म है। वस्तु का, चेतना का अपना मौलिक गुण उसका धर्म है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो जब हम अपने स्वभाव में जीते हैं तब हम धर्म में होते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, ना जैन, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना यहूदी, ना कुछ भी नहीं। ये धर्मों के नाम नहीं है, सॉरी टू से। हम कहते हैं इनको धर्म, लेकिन एक्चुअली धर्म क्या है? इफ अ पर्सन लिव विद इन ऑर्डर, विद इन ऑर्डर, अगर वो अपने ही स्वभाव में रहता है, अपने ही मूल गुण में रहता है, देन ओनली ही इज धार्मिक। तो धर्म की परिभाषा भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया, तो भगवान महावीर स्वामी एक शब्द में बोले, ओनली एक शब्द में, प्लीज याद रखने की कोशिश भी कर लेना, आणाए धम्मो। धर्म की परिभाषा है आणाए धम्मो। नहीं समझ में आएगा, आणा आज्ञा, आज्ञा ज्ञान, बीइंग इन ऑर्डर विद इन वन सेल्फ इज धर्म, बीइंग इन ऑर्डर विद इन वन सेल्फ इज धर्म। आप अपने स्वभाव में हो कि नहीं हो? हो आप धार्मिक हो। इस अपेक्षा से देखा जाए तो जैन या कोई भी नाम उस धर्म का दो या ना दो, धर्म है हमारा अपना असली स्वभाव। ओके मेरा धर्म बस हो यही, आत्मा में ही रमणा रहे, यानी अपने स्वभाव में रमूं, स्वाभाविक बन के जीऊं, नेचुरल फॉर्म में। अब नेचुरल फूल का क्या धर्म है? खिलना, है ना, मेघों का बरसना, हवाओं का चलना, पानी का बहना। पानी निर्मल है, शीतल है, निर्मलता शीतलता उसका स्वभाव है। गर्म किया जा सकता है लेकिन वो शीतल होएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, है ना। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जो गर्म रहेगी उसको ठंडा किया जा सकता है लेकिन वो वापस उष्ण ही रहेगी। तो हम लोगों का जो स्वभाव है ना, वो हमारा धर्म है। वहाँ ना जैन नाम है, ना अजैन नाम है, ना हिंदू नाम है। ओके बीइंग इन ऑर्डर विद इन वन सेल्फ इज धर्म, नॉट टू बी इन डिसऑर्डर। ओके अब संस्कृति क्या, कल्चर, संस्कृति क्या है? जब एक व्यक्ति के भीतर धर्म खेलता है, वो अपने स्वभाव में जीता है, जैसे महावीर स्वामी जिए, श्री कृष्ण जिए, या गौतम बुद्ध जिए, उनकी चेतना अपने स्वभाव में खिली और वो अपने स्वभाव में जीने लगे, अब वो आउट ऑफ ऑर्डर होना बंद हो गए। तब उनको देख करके, उनकी वाणी को सुन करके,
उनके उपदेशों को जान करके बहुत सारे लोगों ने अपने आप के लिए भी जीने का एक तरीका चुना, ठीक है। उनको देख करके लोगों ने जीने का तरीका चुना, जीने का तरीका सीखा, सलीका सीखा, ज्ञान पाया, तो उन धार्मिक व्यक्तियों के इर्द गिर्द एक कल्चर पैदा हो गए। इसको ऐसे समझो, बादल पर से, बादलों का धर्म बरस गए, धरती पे आए, लेकिन आदमियों ने क्या किया, उनको बारिश का पानी 12 महीने चाहिए और बारिश तो रोज नहीं आने वाली, तो उन्होंने क्या किया कि उस पानी को संकलित करके, इकट्ठा करके, संवार के, संभाल के रखने की कला पैदा की। ओके, वह जो कला है जो धर्म को लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की जो कला है, उस कला का नाम संस्कृति है। अब पानी को हमने इकट्ठा किया सरोवरों में, कुओं में, नहर बनाई, उस नहर से वापस कितनी तरह के पाइपलाइंस कनेक्ट किए, अपने अपने खेतों तक पहुंचाए, अपने घरों में पानी इकट्ठा किया, डैम बनाए, ये सब कुछ क्या है, संस्कृति। धर्म स्वभाव है, संस्कृति उस स्वभाव के इर्द गिर्द पैदा हुई कला और विज्ञान है। अब इस संस्कृति के अंदर खाना पीना, बोलना रहना सहना, तीज त्योहार मनाना, पर्व मनाना, ये सारी चीजें समाहित हो गई। आदमी की जिंदगी की जितनी सारी विधाएं हैं, विधाएं बहुत सारे अलग अलग फेजेस, सब के सब को हम एक नाम दें तो होता है संस्कृति। संस्कृति यानी जहाँ आदमी को संस्कारित किया जाता है, शब्द पे ध्यान देना, संस्कारित किया जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन हर तरह का कुम्हार एक ही तरह के घड़े नहीं बनाता, वो घड़ों में तरह तरह की डिजाइंस डालता है ना। कोई लोग काली मिट्टी का घड़ा, हरी मिट्टी का घड़ा, पीली मिट्टी का घड़ा बनाएंगे, फिर उन घड़ों पे भी अलग अलग तरीके के रंग बनाएंगे, लेकिन घड़ा घड़ा है, ओके, उसकी बेसिक क्वालिटी उसमें रहेगी। बेसिक क्वालिटीज धर्म, और उसके ऊपर जो सजावट है, जो आकार है, जो संस्कार दिए गए, वो जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कृति कहलाती है। संस्कृति की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि धार्मिक आदमी सब कोई नहीं होता, हर कोई आदमी अपनी खिलावट में, अपनी मौलिक गुण में नहीं जीता, तो उसको उसके मौलिक गुणों में डेवलप करने के लिए उसको टीचिंग्स की, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत तो होगी, इसीलिए संस्कृति हमेशा रहती है। इस अपेक्षा से अगर हम बात करें तो जैन एक संस्कृति है और जैन एक धर्म का नाम भी है, लेकिन जैन एक जाति का नाम नहीं है। पर आज की दुनिया में लोग जैनों को जातिगत व्यवस्था से जानते हैं, इसीलिए जो जैन कुल में पैदा होता है लोग उसको जैनी कह देते हैं, ना कि लोग जैन शब्द के अर्थ में यात्रा करते हैं, ना धर्म शब्द में यात्रा करते हैं, मतलब ना उन्हें धार्मिक होने से ज़्यादा प्रयोजन है, ना उन्हें जैन शब्द के अर्थ से प्रयोजन है। हमारे लिए सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द मिसकॉन्सेप्ट इन आर सोसाइटी, वो यह है कि हमें लगता है कि जैन एक समूह का, वर्ग का, जाति का, कौम का एक नाम है, और जो इस कौम में पैदा होते हैं वो लोग जैन होते हैं। अच्छा, अब अपने आप से पूछो, मैं जैन क्यों हूँ? आप जैन क्यों हो? बॉर्न इन जैन फैमिली, दिस इज द ओनली रीजन, है ना। हमने जन्म लिया इस जैन फैमिली में, इसलिए हम जैन हैं। दिस इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन। क्या करोगे बाबा, यहां तो फर्स्ट पॉइंट पे, अपना प्लेटफॉर्म पे ही मिसकंसेप्शन है, बेस में ही, कि हम अपने आप को जैन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने जैन खानदान में जन्म ले लिया, हमारे नाम के आगे जैन लिखा जाता है ना। आप सोचो, महावीर स्वामी के नाम के आगे लिखा जाता था क्या, ऋषभ देव के आगे, इंद्रपुति गौतम के आगे, शालीभद्र के आगे, राजा श्रेणिक के आगे,
नो, शास्त्र जब तक लिखे गए तब तक जैन शब्द भी नहीं था, उनके आगे जैन नहीं लिखा जाता था। लेकिन महावीर के नाम के आगे दो शब्द लगते थे, समण निर्ग्रंथ। बहुत कम को पता होगा पर हमें पता होना चाहिए, समण निर्ग्रंथ। समण संस्कृति है, निर्ग्रंथ उनके धर्म का तरीका था, उनके धर्म का सार, उनका धर्म निर्ग्रंथ धर्म कहलाता था, जिसको आज हम जैन धर्म कह रहे हैं। महावीर के समय में इस धर्म को निर्ग्रंथ धर्म के नाम से जाना जाता था, और इस कल्चर को, जिस कल्चर में हम हैं, इस कल्चर का नाम था समण कल्चर, समण संस्कृति। तब भारत के अंदर दो तरह की संस्कृतियां विख्यात थी, वन इज समण संस्कृति एंड द सेकेंड इज ब्राह्मण संस्कृति। आज भी है, आज हम ब्राह्मणों को हिंदू बोल देते हैं, समणों को जैन बोल देते हैं, पर समण में भी तब बहुत तरह के अलग अलग क्लासेस थी। उनमें एक क्लास जिसको हम निर्ग्रंथ कहते हैं वो थी, और एक क्लास जिसको आज हम बौद्ध कहते हैं वो थी। जैसे आज हम श्वेतांबर दिगंबर कैसे हैं, एक टाइम में गौतम बुद्ध वाले शाक्य वंशी बौद्ध और महावीर वाले निर्ग्रंथ, ये भी वैसे ही थे, एक ही वर्ग में, एक ही कल्चर में पैदा हुए, दो अलग अलग वर्ग थे, दो अलग अलग क्लासेस थी। जैसे आज जैनों में दिगंबर श्वेतांबर है, वैसे ही किसी टाइम में समण संस्कृति में ही निर्ग्रंथ भी थे और बौद्ध भी थे। ओके, महावीर के आगे कौन से दो विशेषण लगते हैं, समण और निर्ग्रंथ। तो हमारी कल्चर है समण, समण संस्कृति के हम लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण संस्कृति में नहीं पैदा हुए, समण संस्कृति में पैदा हुए। ओके, समण संस्कृति मतलब क्या और ब्राह्मण संस्कृति मतलब क्या? समण संस्कृति उसको कहते हैं जो इस बात पे विश्वास करती है कि हम सभी समान हैं। क्या है? समान, इक्विलिटी, इक्वेनिमिटी, हम सभी समान हैं। सभी समान है का मतलब क्या? वो युग था जब इंसानों को बांटा गया था, लोग ऐसे बांट के काम करते थे, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। तब ब्राह्मण लोगों की एक सोच थी कि वी आर सुपीरियर एंड शूद्रास आर ऑल आर इन्फीरियर फ्रॉम अस, है ना। तब समण क्या कहते थे? नो, ऑल आर इक्वल। उसका वो कर्म है, इसका आपका ये कर्म है, कोई कर्म छोटा नहीं होता, कोई कर्म बड़ा नहीं होता, हर कर्म की उतनी ही उपयोगिता है जितनी हमारे शरीर में आँख, हाथ, कान, नाक की उपयोगिता है, उतनी पैरों की भी उपयोगिता है, नहीं, सबकी उपयोगिता है, इसीलिए किसी को छोटा बड़ा नहीं करना। तो हम कौन सी संस्कृति में हैं? समण संस्कृति में। इस समण संस्कृति में महावीर के नाम के आगे निर्ग्रंथ लगता था, हमारे नाम के पीछे जैन लगता है, ये फर्क आ गया। ओके, महावीर के नाम के आगे निर्ग्रंथ लगता था, हमारे नाम के पीछे जैन लगता है। लेकिन निर्ग्रंथ होना एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? कि जो अपने मन में गांठे न रखे, वन हु हैज नो नॉट्स इन आर हार्ट, इन देयर हार्ट्स एंड माइंड, दैट इज कॉल्ड निर्ग्रंथ। जो कॉम्प्लेक्सेस नहीं रखता। अरे बाप रे, हम लोग कैसे हैं? देर आर सो मैनी कॉम्प्लेक्सेस न, हर पॉइंट पे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गर्व से कहो हम जैन हैं। ये कहाँ से लाए हम, पता है? किसी ने लिखा अपने मंदिर के बाहर कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमने भी कॉपी कर ली, गर्व से कहो हम जैन हैं। अरे जैन धर्म तो कहता है गर्व ही मत करो, बट दिस इज अ मिसकॉन्सेप्ट। व्हाई? देखा देखी, हम सारी दुनिया में देखा देखी का ही व्यवहार करते हैं। डोंट से लाइक दिस, गर्व से कहो, नो गर्व। तो क्या कह रहे थे हम? कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी। दूसरा हमारा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स क्या है? वी आर जैन,
वी आर सो ब्लेस्ड, हम ही पुण्यवान है, हमें ही मोक्ष मिलता है और सारे तीर्थंकर भी हमारे ही धर्म में हुए। और किसी धर्म में तो तीर्थंकर हुआ ही नहीं था। अब हम जानते ही नहीं कि धर्म में तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर एक व्यक्ति होता है जिसकी देशना से लोगों को धर्म का ज्ञान मिलता है। नहीं, जरा देखने का नजरिया बदलो। तीर्थंकर एक व्यक्ति होता है जो लोगों को धर्म का ज्ञान देता है, लोगों को मुक्ति का मार्ग समझाता है और उस मार्ग पर उसको आगे बढ़ाता है। पर हम क्या घमंड कर रहे हैं, हमारे जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए और किसी धर्म में तो हुए ही नहीं तीर्थ। दिस इज मिसकॉन्सेप्ट। ओके, हमारी भाषा ऐसी है। क्यों है? क्योंकि हमने सुनी ऐसी है, जैसी सुनी हम वैसे ही तो बोल रहे हैं। अब हमें समझ आना कि ये जो तीर्थंकर हुए, ऋषभ से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर, न केवल 24, ये 24 तो इस युग के हैं, इस कालचक्र के हैं, इसके पहले भी अनेक हो चुके। और केवल 24 ही होते हो ऐसा नहीं है, हमारे इस एरिया में जहाँ हम अभी रह रहे, भरत क्षेत्र में, इस भरत क्षेत्र में 24 होते हैं, ऐरावत क्षेत्र में 24 होते हैं, महाविदेश क्षेत्र में 20, 50, 70, 100, 160, कितने भी हो सकते। और फिर ये भी टाइम की बात है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं। एक समय में एक तीर्थंकर होता है, ओके? दो तीर्थंकर की एक साथ जरूरत नहीं है। जैसे कि एक ही देश में दो प्रधानमंत्री नहीं होते, एक ही प्रधानमंत्री होता है, ओके? ऐसे ही एक टाइम में एक तीर्थंकर होता है, जब एक चला जाएगा तब दूसरा होगा वापस। तो हमारे दिमाग में क्या लगता है, जैनों के ही 24 तीर्थंकर होते हैं। बाबा, जैन नाम ही अब आया है। ये 24 तीर्थंकर एक कल्चर में हुए, एक कल्चर में हुए। देखो, और ये कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस युग में ऋषभ से स्टार्ट हुई। ऋषभ के पहले कल्चर डेवलप हो रही थी, ऋषभ ने एक प्रॉपर कल्चर को डेवलप किया, क्योंकि उस टाइम आदमी के अंदर का दिमाग बढ़ने लगा, सोच पैदा होने लगी, थोड़ा थोड़ा आदमी में डेवलपमेंट आया। तो ऋषभ प्रभु ने लोगों को सभ्यता सिखाई, कल्चर में रहना सिखाया, कैसे फैमिली में रहना, कैसे बिजनेस करना, कैसे घर बनाना, अपनी सुरक्षा कैसे करना, ये सारी बातें कल्चर कहलाती है। ये कल्चर ऋषभ ने दी, और ऋषभ ने देते समय क्या कहा था कि अपने भीतर सबको समभाव में रहना, अनावश्यक इकट्ठा नहीं करना, सच्चाई से जीना, जैसा भीतर हो वैसा बाहर रहना, ये ऋषभ ने सिखाया। फिर क्या हुआ, ऋषभ के मार्ग पे लोग चलते गए। फिर एक टाइम आया दुनिया में, फिर उठपटांग, आदमी का दिमाग कभी शांत तो रहता ही नहीं, कुछ ना कुछ तो शोरगुल पैदा होता ही है। तो फिर नए तीर्थंकर की जरूरत पड़ी, अजितनाथ जी आए। फिर ये भी अलग अलग एरियाज में आए। अभी कम कहेंगे भारत में क्यों आए, भारत के बाहर भी हुए थे। और आज जिसको हम भारत कह रहे हैं, तब का भारत अब के भारत में बहुत अंतर है ना। आज हम इसको पाकिस्तान कह रहे हैं, कोई बांग्लादेश कह रहे हैं, कोई नेपाल कह रहे हैं ना, एक को श्रीलंका कह रहे हैं। किसी टाइम में ये सब भी भरत क्षेत्र ही रहा था। तो भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए, ओके? हम लोग जो है अभी 24वें तीर्थंकर की जो वाणी मिली है, उस वाणी के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं। तो हम कौन सी परंपरा में आ गए, महावीर की परंपरा में। लेकिन क्या इस जैन धर्म के प्रणेता महावीर स्वामी थे? नहीं। जैन धर्म, अगर हम आत्मधर्म की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, आत्मधर्म की बात करें, वो सदा है, शाश्वत है। लेकिन हर युग में धर्म को जानकर जीने वाले और लोगों को ज्ञान देने वाले तीर्थंकर, ऐसी चेतना जो लीडर कहलाती है, जिसको हमारे यहाँ हमारी कल्चर में तीर्थंकर शब्द दिया जाता है, मास्टर कह दो, ऐसे जो होते हैं मास्टर तीर्थंकर, उनकी शुरुआत की अपेक्षा से बात करें तो वो इस युग में प्रभु ऋषभ हुए। महावीर वॉज अ रिफॉर्मर, वो रिफॉर्मर थे, वो जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं।
क्लियर? ये धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं जैन, ये जैन शब्द का क्या अर्थ है? बिकॉज ऑफ हम लोग तो खाली संडे से जानते हैं भाई वी आर जैन, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जैन? तो हम लोग कह देते हैं जो जिन भगवान के अनुयायी है, फॉलोवर है, वो जैन है. ओके, ये डेफिनेशन हमें सिखाई गई, नो डाउट. हमने जो सीखा, हमने वो बोला, वही मान लिया. थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे ना, जैन शब्द जिन से ही बना है, है ना? जिन, जिसने जाना, जिसने जान लिया. जिन, जिसने जाना और जीत लिया, क्योंकि जानने से खुद को जीता जाता है. जिसने जाना और जीता, इसका मतलब क्या? वो जागा हुआ व्यक्ति था, कॉन्शियस था. ओके, तो तीन अर्थ हुए, जानना, जीतना, जागना. जानना, जीतना, जागना. जो जानता है, जो जागृत है, जो अपने मन के द्वंद्वों को जीत चुका है, हु कॉन्क्वर्स हिज ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हिज माइंड, ऑफ वंस माइंड. ओके, वो है जिन. अब जो जान रहा है, जो जाग रहा है, और जो अपने मन के कॉन्फ्लिक्ट्स को जीत रहा है, वो जैन. ध्यान दे, जो जाना, जो जागा, जो जीता, वो जिन. जो जान रहा है, किसको? खुद को. जाग रहा है, खुद में. जीत रहा है, किसको? अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को. देर आर सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन एवरी वंस माइंड, इज इट ट्रू? जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जीत रहा है, जान रहा है, जाग रहा है, वह जैन है. अब बताओ, यहाँ किसी जाति से संबंध है? है. किसी क्षेत्र से संबंध है कि भारत में ही होंगे जैन, बाहर नहीं होंगे? हाँ, नहीं. प्लीज, हम सब क्लियर माइंड हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है कि हम तो जैन कुल में पैदा हो. और आने वाली पीढ़ियां अपने आप को जैन केवल इसलिए कहेगी क्योंकि उनके बाप दादा के नाम के आगे जैन लगता था. बस वो भूल चुकी होंगी कि एक्चुअल जैन का मतलब कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है. इसीलिए देखो, पुराने साल, कई सालों पहले से हमारे यहाँ कोई अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाता था. आज भी आपके महाराष्ट्र में तो बहुत कम लोग नाम के आगे जैन लगाते हैं, पर नॉर्दर्न इंडिया में सब लोग अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं. तो एक भ्रम पैदा होगा, चलो ये जनसंख्या की गणना की अपेक्षा से भारत में अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करवाने के लिए हमने अपनी कौम की एक पहचान बनाने के लिए अपने नाम के आगे जैन लगाना शुरू कर दिया. पर आज भी इस भारत में ऐसे हजारों जैन हैं जो अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो जैन जाति में है, लेकिन वो जैन संस्कृति में है, फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो एक मिनट वापस हम सारांश ले लें, भूल ना जाएं. जैन एक धर्म भी है, एक कल्चर भी है. कल्चर का नाम समण संस्कृति है और धर्म आत्मधर्म है, जिसको हम जैन धर्म के नाम से पहचानते हैं. महावीर स्वामी के समय में इसको निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था. भगवान अरिष्ट नेमी और उनके पहले में इस धर्म को आरहत धर्म कहते थे. आरहत, अरहा से बना आरहत. ओके, अरहा के उपासक आरहत, ब्रह्मा के उपासक बारहत, बारहत से ब्राह्मण संस्कृति आई, आरहत से, अरहा से आरहत संस्कृति आई. तो वी आर आरहत. अरिष्ट नेमी भगवान के टाइम तक हमें आरहत कहा जाता था. जिन लोगों ने अंतगिर दशांग सूत्र पढ़ा है पर्युषणों में, उनको पता है उसमें जगह जगह आता है अरहा, अरिष्ट नेमियो, अरहा, दशार, ऐसे शब्द आते हैं शास्त्रों के अंदर. तो आरहत धर्म था, निर्ग्रंथ धर्म रहा, अभी जैन धर्म के नाम से विख्यात है. लेकिन मूलतः हम सब वे लोग हैं जो आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, किसी बाहर एक ईश्वर की उपासना नहीं करते. हम किसी ऐसे नहीं मानते कि कोई एक ईश्वर है जो इस जगत को बनाता है, जैसे अन्य संस्कृतियों में माना जाता है कि गॉड इज क्रिएटर. ठीक है, तो वर्शिप दैट सुप्रीम पावर,
उस गॉड की पूजा करो। जैन धर्म क्या कहता है, यू आर योर सेल्फ गॉड, तुम खुद ही परमात्मा हो। सो हम, मैं ही वह हूँ जो ईश्वर है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। सो हम, ये जैन धर्म का मंत्र है। मैं ही वह हूँ, वह मतलब परमात्मा ईश्वर, वह मैं ही हूँ। लेकिन सबसे बड़ा एक और मिसकंसेप्ट है, आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, वो क्या, जब हम कॉलेज की क्लासेस, कॉलेज में फिलॉसफी को पढ़े, तो इंडियन फिलॉसफी में, जो कि बीए करने वाले को फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है फिलॉसफी सब्जेक्ट में, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, वहाँ इंडियन फिलॉसफी पढ़ाते समय किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि भारत में दो प्रकार के मुख्यतः वर्ग रहे हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। और वे कहते हैं कि नास्तिक कौन है, जैन, बौद्ध और चार्वाक। वहाँ किताबों में जैनों को नास्तिक करके पढ़ाया जाता है। आर्ग्यूमेंट करने कोई नहीं पहुँचा, हम जब कॉलेज में थे मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किए, बट व्हाट कैन वी डू, हम किताबों को तो बदल नहीं सकते थे, हम तो स्टूडेंट थे। लेकिन तब हमारे मन में आया, कभी बड़े होकर के कुछ बदल सके तो किताबों में बदलेंगे, कि जैन नास्तिक नहीं है। लेकिन वहाँ नास्तिक क्यों बताया गया, आप लोग जानना प्लीज़, क्योंकि आपको दुनिया में बहुत सारे लोगों से बातें करनी होगी, बहुत सारे लोगों तक ये बातें फैलानी होगी कि हम लोग क्या हैं, हम लोग अपने आप को नहीं जानते, है ना। नास्तिक की वहाँ डेफिनेशन क्या है, जो लोग जगतकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते और जो लोग वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है। मुख्य डेफिनेशन है वहाँ लोग जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है, और आस्तिक जो वेदों को मानते हैं, सिंपल सी बात। तो हमने वहाँ क्वेश्चन किया जब हम कॉलेज में थे, तब मैंने कहा तब तो कोई भी कह सकता है, हम जैन भी कह रहे, जो आगमों को मानता है वो आस्तिक, जो आगमों को नहीं मानता है वो नास्तिक। कल को कोई ईसाई आके खड़ा होकर कह देगा, जो बाइबल को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता है वो नास्तिक। कोई मुस्लिम आके बोलेगा, जो कुरान शरीफ को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता है वो नास्तिक। ये डेफिनेशन कैसे हो सकती है, बट ऐसे सिखाया जा रहा है बरसों से इंडियन फिलोसॉफी को सिखाते वक्त। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, और बाहर के लोग पूरी दुनिया में हमको अभी तक नास्तिक ही मानते हैं। और आपको हैरानी हो गई, भगवान महावीर स्वामी की देशना, देशना बोले तो प्रवचन, ओके, जो औपपातिक सूत्र में लिखा हुआ मिलता है उसमें आता है, स्टार्टिंग में भगवान कहते हैं, अत्थि आया, अत्थि जीवे, अत्थि अजीवे, अभी आपको प्राकृत समझ में नहीं आएगी, मैं हिंदी में बोलती हूँ, है जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रम है, संवर है, चारों गति है, राजा है, चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, बलदेव है, 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 मतलब अस्ति अस्ति अस्ति, वो क्या कह रहे हैं, अस्ति अस्ति सबको ही जानो, ये तो अस्तित्व की बात है। वो कह रहे हैं इस अस्तित्व को स्वीकार करो, अस्तित्व है, जो अस्तित्व है कहता है वो आस्तिक, और जो कहता है अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ भ्रम है, सपना है, माया है, हो सकता है वो नास्तिक हो। पर जैन धर्म ऐसा नहीं कहता, और बड़ी गजब की बात, जैन धर्म में क्या समझाया गया, हमने जैन धर्म कईयों से पढ़ा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ निष्पक्ष ज्ञान देने वाले हमें मिले आत्मज्ञानी श्री विराट गुरुजी। विराट गुरुजी ने कैसे बताया हमें अस्तिक और नास्तिक की परिभाषा देते हुए, उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति कहता है नास्तिक, शब्द पे ध्यान देना थोड़ा सा, हाँ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, ओके जब कोई कहता है नास्ति न अस्ति, उसमें भी अस्ति तो आ गया ना, कोई बोलता है नहीं है, उसमें भी है तो है ना, तो विराट गुरु जी क्या बोलते कि नहीं है मैं भी है, तो जैन धर्म नास्तिक कैसे हो सकता है, वास्तविक धर्म है, वो अस्तित्व की बात करता है, वो कहता है जीव है, और जीव है तो उसका ऑपोजिट पोल अजीव भी है, और संसार है तो उसका ऑपोजिट पोल मोक्ष भी है,
और कर्मों का बंधन है, इसका मतलब मुक्ति का मार्ग भी है, ठीक है ना। और मनुष्य है, पशु भी है, स्वर्ग है, नरक भी है। जो सबको है कहता है वो नास्तिक कैसे हो सकता है? तो कोई आपसे पूछे आपका जैन धर्म क्या है, आस्तिक है कि नास्तिक है? आप कह दोगे आस्तिक है, फिर सामने वाला कहेगा लेकिन वो ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता? आप ईश्वर में विश्वास करते हो? अब क्या कहोगे, आप ईश्वर में विश्वास करते हो? हम तो कहते हैं गॉड इज अलमाइटी, गॉड इज क्रिएटर, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है, वही हमसे कर्म कराता है। हम जिस भी पोजीशन में, वही हमें लेकर के आता है, वो हमें जिस हाल में रखता है हम उस हाल में रहते हैं। उन्होंने हमें ये कर्म करने को कहा तो हम ये कर रहे हैं। देखो, आधी से ज़्यादा दुनिया इस लैंग्वेज में बात करती है, सुना होगा ना आपने, हाँ, ओ माई गॉड, यू नो एवरी थिंग, तुमने जो मर्जी हो करो, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गॉड, मेरे से गलती हो गई, ओ माई गॉड गलती हो गई, माफ़ कर देना। तुम भी ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसी बातें करेंगे और कहेंगे गॉड फियरिंग बनो, भगवान से डरो, बाप रे भगवान दंड देगा, भगवान से डरो, भगवान की वर्शिप करो, तुम्हारे डर, तुम्हारे दंड में कुछ छूट मिल जाएगी, ऐसी दुनिया बोल रही है तुमको। अगर तुम्हें इस जैन दर्शन का नहीं पता, तुम भी वही लैंग्वेज बोलोगे, और पता क्या बोलोगे, भगवान मुझे ही ऐसा शरीर देना था क्या, हे भगवान मुझे ऐसा परिवार देना था क्या, मतलब भगवान दे रहा है। ओके, दिस इज अ ग्रेट मिसकॉन्सेप्ट इन ऑल आर जैन कम्युनिटी। वॉट इज द राइट फिलोसफी वी शुड नो। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, यहाँ ईश्वर को ईश्वर शब्द से नहीं माना गया। हमारे यहाँ हम ईश्वर को दो पद कहते हैं, अरहंत और सिद्ध। क्या कहते हैं? अरहंत और सिद्ध। अरहंत साकार परमात्मा और सिद्ध निराकार परमात्मा। ओके, क्योंकि हिंदुओं के अंदर परमात्मा के दो रूप मिलते हैं, साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा। कुछ लोग हैं जो साकार परमात्मा की पूजा भक्ति करते हैं, वो कहते हैं सगुण भक्ति। कुछ लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति, जैसे कबीर वो कहते थे ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, क्यों तुम उसका नाम देते हो, खुदा दे दो नाम, भगवान दे दो नाम, कुछ भी दे दो, उसका कोई रूप ही नहीं है। जैन धर्म दोनों बातें कर रहा है, वो क्या कह रहा है, जो इंसानी देह में है और केवल ज्ञान केवल दर्शन को उपलब्ध हो गए, यानी कि जिनके अंदर का मोह समाप्त, चार घाती कर्म दूर हो गए, वो सब अरहंत है। क्या है अरहंत का मतलब? भगवान है, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, तीर्थंकर कह दो, अरहंत कह दो, एक ही बात है। ऑल केवल ज्ञानी आर अरहंत, ऑल अरहंत्स आर भगवान, साकार भगवान। महावीर स्वामी को हम भगवान कहते हैं, तो क्या वो इंसान नहीं थे? क्या थे? इंसान से खत्म हो गए, इंसानी देह छोड़ दिया, जिस्म छोड़ गए, तब भगवान हुए या इंसानी जिस्म में भगवान हुए? इंसानी जिस्म में भगवान हुए। ओके, क्लियर करना, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में भगवान का मतलब वो ऊपर आकाश वाला, ऊपर वाला लोग बोलते भी है ना, ऊपर वाला सब देखता है, सब जानता है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमने बचपन से, हम ऐसे लोगों की बातें सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो हम सबके दिमाग में वही कॉन्सेप्ट है। बी क्लियर, वो ऊपर वाला कौन है? तो मैं बड़ी हस्ती थी छोटी थी तब, कोई कहता ना ऊपर वाला ये ऊपर वाला वो, मैं कहती उसको और कुछ काम नहीं है क्या, दिन भर बैठे बैठे सबका ये हिसाब किताब ही रखता जाएगा क्या? हाँ, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमारे को सही ज्ञान बचपन से मिला, वी आर ब्लेस्ड, हमारे को सही धर्म मिला, तो
बताया ऊपर वाला नहीं अंदर वाला। अभी कोई बोलता है ना ऊपर वाला, हम कहते हैं अंदर वाला, ऊपर वाला नहीं अंदर वाला। वो अंदर ही बैठा है सबके। कौन है वो? हम खुद। ऐसा भी नहीं कहना मेरे अंदर भगवान बैठा है, इसका मतलब तुम अलग भगवान अलग। हाँ लोग बोलते मेरे अंदर जो आत्मा है, तो बाबा तुम्हारे अंदर आत्मा है तो तुम कौन हो? भूत हो? हम खुद ही तो आत्मा है। शरीर के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, हम खुद ही आत्मा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जैन धर्म आस्तिक धर्म है, ये ईश्वर की बात करता है, लेकिन ये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, रचयिता, डिस्ट्रॉयर ऐसा नहीं मानता। ये नहीं कहता है कि ये गॉड क्रिएट करता है, गॉड डिस्ट्रॉय करता है। ये कहता है कि हर आत्मा खुद ही परमात्मा है, अगर वो अपने आप को जान ले तो। जिन्होंने जान लिया वे अरहंत है, अगर वो देह में मौजूद है तो अरहंत है, अगर वो देह से मुक्त हो चुके हैं तो वो सिद्ध है। ओके, तो अरहंत सिद्ध क्या है? भगवान। भगवान मतलब अरहंत और सिद्ध। तो क्या भगवान ने दुनिया बनाई? नहीं, भगवान ने नहीं बनाई। तो दुनिया किसने बनाई? बहुत बड़ा यहाँ पे एक आदमी के दिमाग में वो घुसा हुआ एक वाक्य, अपने के बचपन से गाने सुने हैं, और जैन धर्म सुनने कौन बैठा था? तो गाने सुनते थे, दुनिया बनाने वाले है ना, तो हमारे दिमाग में भी ये ऊपर वाले ने कुछ दुनिया बनाई, तो चाहे बनाए तूने माटी के पुतले, ये वो सब कुछ नहीं बाबा नहीं। जैन धर्म क्या कहता है? न केवल जैन धर्म, मैं इसको जैन नाम दे रही हूँ, एक्चुअली उन लोगों का धर्म है जिन्होंने खुद को कम्प्लीटली जान लिया, उन्होंने ये साइंस दी है। ठीक है, उन्होंने क्या बात कही कि आत्मा खुद ही रचयिता है, अपनी दुनिया हम खुद बनाते हैं। इसी बात को गीता में भी कहा। कैसे कहा? बहुत प्यारी बात है, गीता में घुमा के कहा गया थोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ मैं करता हूँ, उत्पत्ति मुझसे, प्रलय मुझसे, सब कुछ मुझसे होता है पार्थ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, हर जीव अपने अपने कर्मों का फल पाता है। घूम करके बात क्या कह दी? नहीं तो क्वेश्चन आ जाता ना, अगर आप ही करते हो तो आतंकवादी काहे को पैदा किए बाबा? तो इतने अपंग, बीमार, विकलांग, कोढ़ी, रोगी, दरिद्र, कम से कम दुनिया बनानी तो सुंदर तो बनाते, तुम सबका सुंदर चेहरा बनाते, काहे को ऐसा बनाया? तो उन्होंने पहले अपना आपको वापस हटा दिया, मैं नहीं करता, अपने अपने कर्मों का फल पाता है ना। और जैन दर्शन क्या कहता है? आदमी खुद करता है, खुद ही भोगता है। इसका मतलब किसने बनाया? खुद ने बनाया। तो आपसे लोग पूछेंगे तो आप ईश्वर को मानते हो? आप कहोगे मानता नहीं जानता हूं, मानता नहीं जानता हूं। अरे बाबा जानते कैसे हो? मिले हो क्या? हाँ, किससे मिले? आपसे मिल रहा हूं, खुद से मिल रहा हूं, हम सब ईश्वरी तो है, केवल हम अपने आप को जानते ही नहीं है, इसलिए हम इंसान है, जान ले तो अरहंत है। इज इट क्लियर? हाँ, हम अपने आप को जानते नहीं इसीलिए इंसान में अभी अज्ञानी है, और खुद को जान ले तो हम ही अरहंत है। और ऐसे अरहंत कितने हो गए? अनंत। अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, अनंत हो गए, और हम भी हो रहे हैं। बोल सकते हो ऐसा? हम भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। अरे पापा जैन का मतलब क्या? जो खुद को जान रहा है, जो खुद में जागरूक जिंदगी जी रहा है, और जो खुद की मन की कमजोरियों को जीत रहा है, वो जैन है। और इस तरह से हम भी जैन हैं। तो सामने वाला कहेगा लेकिन मैं तो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ। आप कहोगे कोई बात नहीं, आप खुद को जान तो रहे हो ना, यू आर कॉशियस। हाँ, और आप भी अपने कमजोरियों को जीत ही रहे हो ना, आप भी जैन हो। जैन खाली कोई जाति थोड़ी है, जैन एक कल्चर भी है, जैन एक रिलीजन भी है, लेकिन वो एक जाति नहीं है, वो एक आत्मा को परमात्मा होने का एक मार्ग बताता है, और उस मार्ग में
आदमी के पास में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जिन मेथड्स के द्वारा एक आदमी अपनी वीकनेसेस को जीत सकता है। उन मेथड्स को हम चरित्र और तप कहते हैं। ओके, उन मेथड्स को हम चरित्र और तप कहते हैं। ये सारी विधियां हैं। ये विधियां किसके लिए है? अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, अपने वीकनेसेस को जीतने के लिए और अपने आप को कंप्लीटली मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, जय हो।